नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना कार्यक्रम रण महा भीषण होगा लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास विषय के बारे में और देते हैं तफसील से पूरी जानकारी, जिससे आप रहते हैं अपडेट। आपने अब तक इस कार्यक्रम को बहुत सराहा है, बहुत प्यार किया है और यही कारण है कि हम लगातार आपके समक्ष नई नई जानकारियों के साथ और नए अपडेट के साथ में हाजिर हो रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे वरुण गांधी के बारे में। रण महाभीषण होगा, क्या होगी वरुण की घर वापसी? वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा सवाल, क्या वरुण गांधी होंगे कांग्रेस? वरुण गांधी ने 1999 में पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र में अपनी मां के लिए प्रचार कार्य आरंभ किया। उन्होंने अपनी मां के साथ 2004 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2014 से वरुण और मेनका को हाशिए पर डाला है और वरुण ने खुलेआम भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दी है, उससे तो यही लगता है कि अब वरुण और भाजपा की राहें जुदा जुदा हो गई हैं। दिल्ली में राहुल और प्रियंका के साथ वरुण गांधी की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। 12 तारीख को प्रियंका को लखीमपुर कांड में मृत किसानों के अंतिम अरदास में शामिल होना था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इसी बीच प्रियंका 11 तारीख की शाम को दिल्ली मूव कर गई और 12 तारीख को 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से सीधा लखीमपुर कूच किया। इसी बीच सोनिया के साथ वरुण के पोस्टर भी लगे, जिसमें लिखा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। इस पोस्टर के कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सोनिया और मेनका के बीच जो तल्खी थी वो समाप्त हो गई है, यानी कि दुख भरे दिन बीत गए हैं और अब दोनों में सुलह होने वाली है, यानी सुख के दिन आने वाले हैं। एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि वरुण और मेनका गांधी के जो 2014 से बुरे दिन शुरू हुए थे वो अब समाप्त हो गए हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। दरअसल वरुण के भाजपा छोड़ने के बाद को तब पल मिला जब उन्होंने लखीमपुर में हुए कांड का एक लंबा वीडियो शेयर करके अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बार नहीं बल्कि अनेक बार किसानों के पक्ष में चिट्ठी लिखकर उसे सार्वजनिक भी किया। इससे पहले भाजपा ने राष्ट्रीय कार्य समिति से मेनका और वरुण गांधी दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसी क्रिया की प्रतिक्रिया थी वरुण का अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करना। वरुण ने ये तो यहाँ तक कह दिया कि किसानों को हिंदू और सिख में बांटने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने वरुण गांधी को बुलाकर बात की है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। नड्डा के बयान के बाद वरुण गांधी ने एक और वीडियो अपलोड करते हुए ट्वीट कर ये जता दिया कि सब कुछ ठीक नहीं है। यह वीडियो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का है। 1980 के इस वीडियो में अटल जी किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। यानी मामला एकदम साफ है, वरुण किसान आंदोलन के साथ हैं। क्या करेंगे वरुण गांधी? क्या वरुण की होगी घर वापसी, या वो अपने करेंगे कांग्रेस में वापसी, या कोई और अपनाएंगे रास्ता, या रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में, या फिर बनाएंगे कोई अन्य पार्टी?
ये सारे सवाल हैं जो आज वरुण गांधी और मेनका गांधी के समक्ष सवालिया निशान लेकर के खड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर डाला गया है, अब उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो चला है। वरुण गांधी आजकल जिस तरह से किसानों का पक्ष रख रहे हैं और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उससे उन्होंने जाहिर कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी और उनकी राहें जुदा जुदा हैं। इतना ही नहीं, नड्डा ने उनको बुला करके समझाया भी और बताया भी, और उसके बाद नड्डा ने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वरुण है कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार किसानों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से लखीमपुर कांड हुआ और उसमें चार लोगों को गाड़ी से कुचल के मार दिया गया, उसने राजनीति का एक नया रूप धारण कर लिया और अब इसी का लाभ उठाते हुए वरुण गांधी उन किसानों के साथ में खड़े हो गए हैं। वो लगातार इस बात को जाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कितने किसानों के हितैषी हैं। दरअसल इसके पीछे की अपनी राजनीति है। जो लखीमपुर का इलाका है वो तराई इलाके में आता है और यहाँ पर बहुतायत में सिखों की आबादी है जो बड़े किसान के रूप में जाने जाते हैं और वरुण गांधी आजकल उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा किया उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अभी तक ये तय नहीं था कि किसानों की मौत कैसे हुई, लेकिन एक लंबा वीडियो अपलोड करके ट्विटर पर उन्होंने जता दिया कि किसानों की मौत कैसे हुई और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जेपी नड्डा के समझाने के बाद भी वरुण गांधी ने एक और वीडियो अपलोड किया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहते सुना जा सकता है कि वो किसानों के साथ हैं। दरअसल 1980 में भी किसान आंदोलन हुआ था और तब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी नजर आई थी। ये वीडियो दिखाता है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों का साथ दिया था और उसी वीडियो पर ट्वीट करते हुए वरुण गांधी ने लिखा कि हमें किसानों का साथ देना चाहिए और उनकी जो शहादत हुई है उसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से सरकार हिंदुओं को और सिखों के बीच में दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, ये कतई ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी दूरी को काफी लंबे समय बाद पाटा गया है और अगर अब दूरी बनेगी तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। 27 साल की उम्र में वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद वो युवा सांसद भी बने। उस समय सांसद बने जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से मात्र 10 सीटें मिला करती थी और उसके बाद राजनाथ सिंह का जब समय आया तो वो उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ और राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। इतना ही नहीं बल्कि बंगाल के प्रभारी भी बनाए गए, लेकिन उसके बाद जब 2014 में मोदी और शाह का युग आया तो उनका अवधान शुरू हो गया। दरअसल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मेनका और वरुण गांधी को अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करने के लिए कहा था, लेकिन दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और यहीं से बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी और वरुण गांधी और मेनका गांधी के बीच में दूरी। दरअसल ये नई युग की भारतीय जनता पार्टी है, ये अमित शाह और मोदी की के समय की पार्टी है, इसलिए अब इसमें कुछ हमेशा आप नया ही देख सकते हैं। 2014 के बाद से वरुण गांधी और मेनका गांधी के बुरे दिन शुरू हो गए भारतीय जनता पार्टी में। पहली सरकार में जब 2014 में सरकार बनी तो मेनका गांधी को कैबिनेट में जगह दी गई, लेकिन जब मोदी की 2.0 की सरकार बनी तो उनको वहां से रुखसत कर दिया गया, यानी कि उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। और इसके साथ साथ वरुण गांधी अब तक 3 बार सांसद रह चुके हैं लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें तमाम अन्य पदों से भी पार्टी के पदों से बाहर कर दिया गया और अभी हाल में राष्ट्रीय कार्य समिति से भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अब ये तय हो गया है कि वरुण गांधी को कोई ना कोई तो रास्ता अपनाना ही पड़ेगा और खबर यह भी है कि उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से हो चुकी है। ये मुलाकात कैसे हुई ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
की न्यूज खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सुबह के लिए उड़ चला गारों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज। समर अभी शेष है, देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। और गोरखपुर से इस बीच खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। एसआई अक्षय मिश्रा भी पुलिस की गिरफ्त। और हमारे साथ मीनाक्षी जो पीड़िता है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले के न्यूज चैनल ने इस खबर को दिखाया था, हम सबसे पहले होटल से पहुंचे थे। के न्यूज ने प्रमुखता से जब इस खबर को दिखाया तो प्रशासन की नींद उड़ गई। पहले तो प्रशासन ने सफाई दी, जब के न्यूज टीम ने खंडन किया तो कार्रवाई हुई। इस पूरी मुहिम के साथ हमेशा जुड़े रहे और अंजाम तक पहुँचाने की भी क्या कहेंगी के न्यूज चैनल को लेकर मैं चाहूंगा। थैंक यू सो मच, न्यूज़ ने तो साथ दिया ही दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। को लखीमपुर में जो किसान शहीद हुए थे उनकी अंतिम अरदास थी और प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया था कि कल वो वहां जरूर जाएंगी, लेकिन इसी बीच ये बड़ी घटना हुई और वरुण गांधी से उनकी मुलाकात दिल्ली में तय हुई। तो अचानक से प्रियंका गांधी वाड्रा 12 तारीख को दिल्ली चली जाती हैं और वहां पर राहुल गांधी के साथ मिल करके वरुण से मुलाकात करती हैं। ये मुलाकात कम से कम 2 घंटे तक चलती है, इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि एक बार 40 साल बाद यानी कि 4 दशक बाद फिर से मेनका गांधी की और वरुण गांधी की कांग्रेस में वापसी हो सकती है और इस बात ने पूरी राजनीति में हलचल मचा दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा 12 तारीख को दिल्ली गई, वहां पर वरुण गांधी से मुलाकात किया और उसके बाद 13 तारीख को 11 बजे वो एयरपोर्ट पहुंच गई यानी कि लखनऊ आ गई और यहां से उन्होंने सीधा लखीमपुर का रुख किया। तो इस रात में अचानक से दिल्ली जाना और वहां पर मुलाकात करना ये बताता है ये कितना इमरजेंसी था, ये कितना महत्वपूर्ण था प्रियंका के लिए, कितना महत्वपूर्ण था राहुल के लिए, कितना महत्वपूर्ण था वरुण के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए जो इस समय G23 या और यह हम कहें G24 जिसमें अब पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हो गए हैं उनसे पीड़ित है और उनको नेता नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में वरुण गांधी उनके लिए एक बड़ा एसेट हो सकते हैं। 2014 में एक लखनऊ दौरे के दौरान उनसे एक खास मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने इस राज का खुलासा किया था कि वो जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी ये इच्छा परवान न चढ़ पाई। दरअसल ये मोदी और अमित शाह का युग है और इस युग में वही होता है जो ये दोनों लोग चाहते हैं। 2014 में जिस तरह से उन्होंने अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करने से इनकार किया था तो उनके बुरे दिन तो आना लाजमी था। इसी बीच कांग्रेसियों ने पोस्टर भी चस्पा कर दिए और उसमें लिख दिया कि अब दुख भरे दिन बीते रे भैया और सुख भरे दिन आयो रे। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं,
कहा यह जा रहा है कि वरुण गांधी के जो बुरे दिन थे वो अब समाप्त हो चुके हैं और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वहीं कुछ लोग ये भी मतलब निकाल रहे हैं कि कांग्रेस के भी बुरे दिन अब समाप्त हो गए हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं वरुण गांधी की माँ मेनका गांधी की। दरअसल मेनका गांधी की शादी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के साथ में हुई थी और 1980 में प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। उसके बाद मेनका गांधी चूंकि लगातार संजय गांधी के साथ राजनीति में आगे बढ़ती रही थी तो उनको लगा था कि शायद उनकी सास उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाएंगी, लेकिन इंदिरा गांधी अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को सियासत में आगे बढ़ा रही थी और उनको आगे ले जा रही थी। इससे खफा होकर के मेनका गांधी ने वो परिवार और घर छोड़ दिया। मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहे, उनके लिए उनके दिल में कोई मलाल नहीं थी, लेकिन राजीव गांधी के खिलाफ जरूर उन्होंने कभी कड़े शब्द कहे और उनके खिलाफ अमेठी से चुनाव भी लड़ा। हालांकि वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से राजीव गांधी से वो चुनाव हार गई थी। इसके बाद मेनका गांधी ने अकबर अहमद डंपी के साथ मिलकर के एक संगठन बनाया और वो संगठन इतना विशाल बन गया कि वो एक पार्टी का रूप धारण करने लगा और धीरे धीरे मेनका गांधी का कद काफी राजनीति में बढ़ने लगा। मेनका गांधी ने कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने जेठ यानी कि राजीव गांधी के खिलाफ वो जरूर एक बार उन्होंने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी पैसे के भूखे हैं और पैसों के लिए वो देश को भी बेच सकते हैं या देश में किसी भी सामान को वो बेच सकते हैं। लेकिन वरुण गांधी ने कभी भी अपने परिवार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। उनके संबंध राहुल से और प्रियंका से अभी भी लगातार बहुत ही मधुर बने हुए हैं। दरअसल ये चौथी पीढ़ी है, 4 दशक बीत चुके हैं और अब तक नदी में काफी पानी बह चुका है। इस बीच दोनों के मधुर संबंध बता रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्या वापसी हो सकती है, वरुण की कांग्रेस में वापसी हो सकती है, ये सवाल आज सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है उत्तर प्रदेश में। राजनीति में कहते हैं कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। जो शिवसेना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती थी, सरकार बनाती थी, वो आजकल वरुण गांधी के पक्ष में आकर के खड़ी हो गई है और उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि वरुण गांधी जो भी कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं, राष्ट्र हित में कर रहे हैं, वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम यूं ही उनका साथ देते रहेंगे। वरुण गांधी के पास अब 3 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, या तो वो कांग्रेस ज्वाइन करें क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी में वो जा नहीं सकते अपने कद के अनुसार। दूसरा विकल्प ये है कि वो अपनी एक पार्टी बनाए और पार्टी बना करके किसान आंदोलन को आगे बढ़ाए। और तीसरा रास्ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके ही विरोध करें और किसानों के आंदोलन को, किसानों के मुद्दे को ज्वलंत किए रहें। इससे उनको एक फायदा तो ये होगा कि उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो बरकरार रहेगी, वो समाप्त नहीं होगी और उन्हें उपचुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। अब अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो उन्हें लोकसभा से इस्तीफा दे करके उपचुनाव जीतना होगा, जो इतना आसान ना होगा। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वरुण गांधी क्या करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी की राहें जुदा जुदा हो चली हैं और अब इनका यहाँ रहना करीब करीब असंभव हो चला है, क्योंकि अगर वो यहाँ रहते हैं तो हाशिए से और हाशिए पर चले जाएंगे। इसलिए वरुण गांधी को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। क्या फैसला लेंगे, क्या वो कांग्रेस में वापस जाएंगे और कांग्रेस की राजनीति करेंगे, वो इतनी आसान होगी क्या, क्योंकि जितना उनका कद है उसके हिसाब से क्या उन्हें वहां पर जगह मिलेगी। हालांकि ये बात अलग है कि राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ लेना देना नहीं है, वो यूपी का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप को केंद्र का मटेरियल मानते हैं। ऐसे में यूपी में वरुण गांधी के लिए रास्ता पूरा साफ है। 1980 में जब संजय गांधी की मौत हुई थी प्लेन क्रैश में, उस समय वरुण गांधी मात्र 90 दिन के थे यानी कि 3 महीने के थे और उसके बाद से सीधा जब वो बड़े हुए, युवा हुए, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। युवा
राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उन्होंने बड़े काम किए थे और कोलकाता के प्रभारी रहते हुए भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। तब से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और अब अगर वो अपना ट्रैक चेंज करते हैं तो उनके लिए ये आसान ना होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहना भी उनके लिए अब उतना मुमकिन नहीं है क्योंकि वो लगातार हाशिए पर जा रहे हैं।